गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपन कई दिन से लेक्चर कर रहे हैं, काफ़ी लेक्चर किए हैं अपन ने, जैसे प्रोबेबिलिटी किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अभी पीडीएफ पढ़ा, रैंडम मेरे पढ़ा। अब काफ़ी सारे आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये टॉपिक पहले कभी पढ़ा नहीं, और इन्होंने पढ़ा नहीं तो नो डाउट उन्हें समस्याएँ आ रही होंगी। तो ऐसे स्टूडेंटों, मेरा यही है कि आप वीडियो को एक बार ध्यान से देखें। ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो देखने के बाद एक बार में आपके समझ में आ जाए। तो जिन स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उनको एक बार दोबारा देखें, उसी वीडियो को दोबारा धीरे धीरे देखें, देखेंगे और देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब आप धीरे धीरे देखेंगे। और उसको कॉपी में नोट डाउन भी करते चलें, कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो और चीज़ें आपकी क्लैरिफाई हो जाएंगी। क्योंकि हो सकता है कि एट टाइम वो चीज़ें आप जब देख रहे हों तो क्लियर नहीं हो, पर आप जब कॉपी में उसको लिख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें। एक चीज़ ये काम करें, इसको करने के बाद जब ये चीज़ें करें, कॉपी पर उतार लें, फिर एक बार इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन में कई समस्याएं आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं और इस ग्रुप या इसमें भी भेज सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो जब सारे सभी पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। पर आप इसको जब तक दोहराएंगे नहीं, ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। क्योंकि काफ़ी सारे आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट, मुझे पता है कि इस ये टॉपिक आपके लिए नया है, फिर भी आज इसमें जो अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिस्क्रीट टाइप के, बाइनोमियल, पॉइजन, ज्योमेट्रिकल, नेगेटिव बाइनोमियल, नॉर्मल कंटिन्यूस में नॉर्मल, अपन ने एक्सपोनेंशियल, गामा, ये डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ लिए थे। आज एक डिस्ट्रीब्यूशन और बचा है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। पहले अपन बीटा और कोची डिस्ट्रीब्यूशन आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिससे और मैं वैसे तो आपकी क्लास में मैं अपन करते जा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, फिर भी और अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस को कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। फिर इसमें एक टॉपिक और बचेगा आपका, जिसको अपन आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, आपके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हैं, काई स्क्वायर, टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज अपन अपने टॉपिक में डिस्कस करते हैं आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं, बीटा और कोची डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली बात, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ये दो तरह का है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं, ये दो टाइप का है, एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले प्रकार का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रथम प्रकार का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। द्वितीय प्रकार का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पहले बात करते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले की बात करते हैं। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल में बात करें कि हमारे पास कोई चर एक्स है, रैंडम वेरिएबल एक्स है। यदि इस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कोई रैंडम वेरिएबल, कोई चर एक्स है
जिसका पीडीएफ ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वन अपॉन बीटा एम एन, वन अपॉन बीटा एम एन एक्स की पावर एम माइनस वन और वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। और जो एक्स की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके एक तक है। यदि इस तरह से दिया है कोई भी पीडीएफ तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इसका पीडीएफ है जो मैंने लिखा है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का। हम इसको ऐसे शो करते हैं जैसे अपन और एक्स बीटा और बीटा के नीचे फर्स्ट लिखा है, ऐसे एम और एन ऐसे लिखा है, इसका मतलब आप समझ लेंगे कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना। और ये नीचे फर्स्ट लिखा है तो कौन से टाइप का, ये पहले प्रकार का, जो एम तथा जो एन है ये इसके पैरामीटर हैं। इसका मीनिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के फर्स्ट काइंड में या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर होते हैं, तो दो पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक एम होता है और दूसरा एन होता है। ये जो हमने ये जो लिखा यहाँ पर बीटा एम एन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखिए बीटा एम एन, जब बीटा एम एन को खोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ये गामा, गामा एम गामा एन और गामा, इन दोनों को जोड़ लें एम प्लस एन। जैसे मैं आपसे एग्जांपल करूं और इस गामा एम का मतलब है, ये सब आप जानते हैं, फैक्टोरियल एन माइनस एम माइनस वन, और गामा एन का मतलब एन माइनस वन वैल्यू इनकी। जैसे मैं यदि आपको एक एग्जांपल में पुट करूं, आपसे कहीं लिखा हुआ मिले बीटा थ्री और टू, इसका मतलब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर हैं, एम का मान कितना है उसमें दो तीन और एन का मान है दो, तो आप सॉल्व करोगे तो कैसे लिखोगे, एम का मान तीन एन का मान दो और इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया पाँच, तीन और दो पाँच, इस तीन का मान क्या होगा फैक्टोरियल दो, एक कम करके, इसका मतलब यदि हम दो फैक्टोरियल को खोलें तो क्या होगा दो और एक, ऐसे ही फैक्टोरियल दो, फैक्टोरियल दो का मान गामा दो का मान फैक्टोरियल एक, इसका मान हो गया एक, गामा पाँच, गामा पाँच का मतलब फैक्टोरियल चार, और चार का मान कैसे होगा फैक्टोरियल चार तीन दो और एक, कितना हो गया 24, इसका मान क्या हुआ, इसका मीनिंग दो बटे चौबीस यानी एक बटे बारह, यदि आपसे कोई ऐसे निकालना चाहे तो ऐसे हम इसका इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, बीटा का मान है, ऐसे आप बीटा कैलकुलेट करते हैं, बीटा का मान एम, ये गामा एम गामा एन एम प्लस एन ऐसे वैल्यू डालते हैं। इसको हम बीटा फर्स्ट काइंड को ऐसे दर्शाते हैं, ये जो हमने लिखा ये इसका पीडीएफ है। यदि हम इसकी और प्रॉपर्टी की बात करें तो आपकी प्रॉपर्टी में मीन और वेरिएंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा मीन है एम अपॉन एम प्लस एन और वेरिएंस है एम एन एम प्लस एन का होल स्क्वायर एम प्लस एन प्लस वन। और इसकी जो एम जी एफ है वो एम जी एफ ध्यान रखें एग्जिस्ट में नहीं है, एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, या आप यूँ कहें कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की एम जी एफ को हम ज्ञात नहीं कर सकते, उसका मान अनंत होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट का मतलब एग्जिस्ट अनंत है उसकी वैल्यू, तो यूँ कहते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की एम जी एफ कैलकुलेट नहीं की जा सकती। क्लियर, ये हमने बात की बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये इसका पीडीएफ है।
ये इसकी रेंज 0 से 1 के बीच में होती है। दो पैरामीटर होते हैं एम और एन, ऐसे इसको शो किया जाता है। मीन इसका ये होता है एम अपॉन एम प्लस एन, वेरिएंस होता है एम एन अपॉन एम प्लस एन। ये आप याद रखने पड़ेंगे, ये वाली चीज़ ये अपन को याद करेंगे ये, और ये इसकी एम जी एफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये अपने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड की बात की। ऐसे ही हमारे पास दूसरी चीज आती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, दूसरे प्रकार का जो हमने किया है। ये बात की थी फर्स्ट, और ये अब आप बात कर रहे हैं हम सेकेंड। सिंपल वे में अपन हम बात करें कि जो सेकेंड है, यदि पीडीएफ इस फॉर्म में हो, यदि कोई चर, अब हम कौन से की बात कर रहे हैं, सेकेंड काइंड की। सेकेंड काइंड में बात करूं, यदि अपन कहें कि कोई एक कोई वेरिएबल एक्स है और उसका पीडीएफ ऐसे है, कोई चर एक्स है, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है और उसका कौन सा पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स, ऐसे 1/β एम एन एक्स की पावर एम माइनस वन और 1+ x की पावर एम प्लस एन। इस एक्स का मान 0 से इनफाइनाइट के बीच में होता है। तो ये जो सेकंड वाला है, ये किसका पीडीएफ है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड, ये सेकंड काइंड का पीडीएफ है। क्या ये पीडीएफ सेकंड काइंड का, इसको आप ऐसे शो करते हैं बीटा, या बीटा के नीचे यदि सेकंड लिखा है तो सेकंड काइंड का है, और फर्स्ट लिखा है तो पहले प्रकार का है। ये चीज सबके क्लियर, पहला है यदि फर्स्ट लिखा है तो पहले प्रकार का बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और सेकंड लिखा है तो दूसरे प्रकार का है। ये यहां पे भी दो पैरामीटर है इसके, एम और एन। ये क्या है इसके पैरामीटर, प्राचाल। तो चाहे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड हो चाहे सेकंड काइंड हो, दोनों के दो पैरामीटर होते हैं एम और एन। बात क्लियर। अब इसका मीन, मीन की बात करूं तो इसका होता है एम अपॉन एन माइनस वन, और जो वेरिएंस है वो होता है एम एम प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन का स्क्वायर एन माइनस टू, ये इसका वेरिएंस है। और इसकी भी एम जी एफ एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट या अस्तित्व में नहीं होती। जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता उसका मान इनफाइनाइट होता है, वो अस्तित्व में नहीं होती। तो ये हमने बात की। अब जो ये तो मीन और वेरिएंस तो आप याद कर लेंगे, ये या तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का मीन का मान क्या होगा, तो आप बता देंगे सीधे ये होगा, ये आपको याद करना है। या दूसरा वैसे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड का वेरिएंस क्या होगा, तो वो भी आप सीधा आंसर आपको याद होना चाहिए। या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की एम जी एफ क्या होती है, तो उसमें मान दे रखे होते हैं 0, 1, इनफाइनाइट, या जो लिखता है अस्तित्व में नहीं है, तो ये ऑप्शन आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन ये जो मैं अभी लिखा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, यदि हमारे पास एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स जो चर है हमारा रैंडम वेरिएबल है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड है, तो वो ये पूछता है 1/1+x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर काफ़ी पेपर्स में ये टिक किया जाता है। ये कहता है यदि चर एक्स का बंटन क्या है, बीटा सेकंड, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड है, तो 1/1+x का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बंटन होगा।
इफ वेरिएबल एक्स हैव द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स इज, ऑप्शन है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड ही होगा, बी ऑप्शन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड होगा, सी ऑप्शन गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चौथा मान लीजिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्वेश्चन सबके क्लियर? एक्स कोई चर है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन या बंटन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंड काइंड है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो कौन सा होगा आंसर? फर्स्ट। ध्यान रखें, यदि एक्स का यह है तो वन अपॉन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड का होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मीन और वेरिएंस के मान पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी हुई। अब हम एक नया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो है आपका ये जो अगला डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये ज़्यादातर चीज़ों को डिसप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। डिसप्रूव का मतलब कि भाई सारी चीज़ें इसमें यदि सेट हो रही हैं तो सही हैं, और यदि इसमें सेट नहीं हो रही तो सही नहीं है। प्रूव करने के लिए नहीं, डिसप्रूव करने के लिए ज़्यादातर चीज़ें कि भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची, सी ए यू सी एच वाई, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन। कोसी बंटन, कोसी बंटन, ये क्या कहता है? कोई चर एक्स है, कोई एक्स का यदि हम पीडीएफ, कोई रैंडम, ये रैंडम वेरिएबल एक्स है वे पीडीएफ, इस फॉर्म में पीडीएफ म्यू अपॉन पाई म्यू स्क्वायर प्लस एक्स माइनस म्यू का एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ये मान माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक चलता है। तो ये क्लियर, ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? कोसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोची डिस्ट्रीब्यूशन या कोसी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है। इसमें दो पैरामीटर देख रहे हैं आपके, ऐसे लिखते हैं सी म्यू और थीटा, म्यू तथा थीटा पैरामीटर हैं कोसी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर हैं। यदि इफ यदि म्यू की वैल्यू को वन पुट किया जाए, यहाँ पे ये जो पैरामीटर है कोसी का, म्यू की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए? वन, और थीटा की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया जाए, म्यू की वैल्यू को वन और थीटा की वैल्यू जीरो को, तो हमें ऐसा पीडीएफ मिल जाता है, हमारा पीडीएफ ऐसे कन्वर्ट होके आ जाता है। यहाँ वैल्यू वन रख दें, वन अपॉन पाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो नीचे मैंने लिखा है इसको जनरल वे में काफ़ी यूज किया जाता है। ये हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यू ये आया, ये स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको आप, स्टैंडर्ड कोची का पीडीएफ है। तो स्टैंडर्ड कोची कब आता है? यदि म्यू का मान वन रख दें और थीटा का मान जीरो रख दें, तो ऐसे लिखते हैं इसको स्टैंडर्ड कोची को, सी वन जीरो, सी वन जीरो लिखने का मतलब है स्टैंडर्ड कोची की बात कर रहा है वो। सी का मतलब कोची जिसमें म्यू का मान एक है और थीटा का मान जीरो है, म्यू का मान वन और थीटा का मान जीरो, तो ये कैसा है? स्टैंडर्ड कोची। यदि मैं आपसे बात करूं, जैसा कि मैंने कहा ये डिसप्रूव करता है मीन वेरिएंस तथा एमजीएफ अस्तित्व में नहीं होते,
मीन वेरियंस एंड एमजीएफ डज नॉट एग्जिस्ट, इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट नहीं करते ही इसको। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन की बात करूं जो जनरल वे में बात करी जाती है, ये कहता है एक एक चीज़ और प्रॉपर्टी बता देते हैं फिर अपन क्वेश्चन की बात करता हूं कि यदि एक्स एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करें कि एक्स कोची डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू वन और थीटा वन उसके पैरामीटर हैं, वाई कोची डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यू टू और थीटा टू हैं, यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो भी कोची या कोची डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहां मैंने नहीं लिखाया है आपको, जहां जिस डिस्ट्रीब्यूशन में ये प्लस नहीं लिख करके लिखा है, इसका मतलब उस डिस्ट्रीब्यूशन में एडिटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, ध्यान रखें। जहां लिखाया है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में एडिटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती, बीटा मैंने प्लस करके नहीं लिखाया एक्स और वाई, इसका मतलब वहां लागू नहीं होती, वहां जोड़ दो बीटाओं का जोड़ बीटा नहीं होता है, ध्यान रखें। पर दो कोची वेरिएबल, कोची वेरिएबल का जोड़ कोची होता है, ये भी। अब हम बात करें, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन की कह रहा था कि एक्स एक्स चर आपका कोची डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोची है, कैसा कोची है, स्टैंडर्ड कोची, तो वन अपॉन एक्स का क्या बंटन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इफ एक्स फॉलोज स्टैंडर्ड कोची डिस्ट्रीब्यूशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन अपॉन एक्स इज ऑप्शन, आपके ऑप्शन हैं एक स्टैंडर्ड कोची, दूसरा सिंपल कोची जो भी होता है सी बीटा और डी गामा, तो आंसर है इसका स्टैंडर्ड कोची। ध्यान रखें कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड कोची लिख के दे, हो सकता है इस ऑप्शन को हटा दे और सिंपल ऐसे भी दे सकता है कोची, यहां पाइजन डाल दिया, तो यही आंसर है कोची। स्टैंडर्ड नहीं लिखे तो भी आपको कोची मानना है, कहीं आप ये सोचें कि इसमें स्टैंडर्ड कोची नहीं है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अपन जनरल वे में इसको भी स्टैंडर्ड कोची ना लिख के ऐसे बोलते हैं, कोची डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं, तो ये चीज़ क्लियर। मीनिंग है कि यदि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्स का 1 0 है तो 1/x का भी क्या होगा, 1 0 ही होगा, ये ध्यान रख लें, ये एक्स का 1 0 तो 1/x का भी 1 0। एक दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो ये क्वेश्चन जो मैं सेकंड वाला डाल रहा हूँ, ये भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपन ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बताया था, स्टैंडर्ड नॉर्मल, थोड़ा थोड़ा ध्यान आया, अपन ने बात की थी नॉर्मल, तो एक्स मान लीजिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चन एक्स कोई चर है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तथा वाई कोई दूसरा चर है वो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो एक्स अपॉन वाई का क्या बंटन होगा, एक्स फॉलोज एक्स एंड वाई फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स अपॉन वाई इज, या कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज, ऐसे दे देता है या ऐसे भी लिख के भी दे देता है, दोनों तरह से पेपर में लिख देता है, एक्स एंड वाई, एक्स तथा वाई दो चर हैं जिनके जिनका बंटन क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो उसका x अपॉन y का डिस्ट्रीब्यूशन या बंटन क्या होगा। ऑप्शन है
नॉर्मल, दूसरा, चलो मैं इसको और क्लैरिफाई कर देते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल गामा, स्टैंडर्ड कोची, और बायनोमियल। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी और अदर एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या हुआ, क्लियर क्वेश्चन? एक्स और वाई दो स्टैंडर्ड नॉर्मल चर हैं, एक्स और वाई का जो दो चर हैं उनका बंटन कौन सा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो एक्स गिवन वाई का बंटन क्या होगा? तो आंसर है इसका स्टैंडर्ड कोची। तो ये आज अपन ने दो तीन चीजें पढ़ी। आज अपन ने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड, उनके मीन और वेरिएंस याद रखेंगे आप। उसके बाद बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड फर्स्ट काइंड में कब बदल जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक अपन ने डिस्कस किया। आपका कोची डिस्ट्रीब्यूशन, कोची डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके मीन वेरियंस और एम जी एफ एग्जिस्ट नहीं करती मेनली। यदि एक कोची है तो उसका रेसिप्रोकल भी कोची होता है, एक एक्स वेरिएबल कोची है तो उसका उल्टा भी क्या होता है, कोची होता है, ध्यान रखें। और दो स्टैंडर्ड नॉर्मल का जो रेशो है वो क्या होता है, कोची होता है। तो इस तरह ये हमने आज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस डिस्कस किए। आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, मैंने आपको पहले भी कहा है, तो इन्हें ध्यान से पढ़ें, एक बार 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 पढ़ें, कॉपी में उतार लें, और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो मैंने आपको अपना नंबर है आपके पास, उसके व्हाट्सएप कर दें 9414637612। ओके, थैंक यू।